सबको मालूम था कि देश की नजरें उन पर टिकी हुई है। एक बार शुरुआत हुई और फिर वैचारिक एजेंडा जाहिर करने की रेस सी लग गई। सांसद भी इंसान होते हैं, भावनाएं उनके मन में भी होती है। किसी खास विचार को लेकर उनकी अपनी एक सोच है, अपनी प्रतिबद्धता है, और किसी खास हस्ती का सम्मान, किसी से राग किसी से विराग, ये भाव उनके मन में भी होते हैं। लेकिन देश की सबसे ऊंची संवैधानिक पीठ से सांसदों ने अपनी भावना इस तरह शायद पहली बार प्रकट की। कम से कम ऐसी देखा देखी पहले नहीं देखी गई। शपथ वाले मंच पर जय संविधान से लेकर हर हर महादेव के नारे लगे। हद तो तब हो गई जब एक सांसद ने हिंदू राष्ट्र का भी जयकारा लगा दिया। लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन यूपी से निर्वाचित सांसदों ने शपथ ली और शपथ के साथ ही वो एजेंडा भी सामने रख दिया जिसके सहारे उन्हें भविष्य की राजनीति करनी है। जय श्री राम, जय भारत। सबसे पहले हाथ में संविधान लेकर आए सहारनपुर से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, जय हिंद के साथ जय भीम का नारा लगाया। जय हिंद जय भीम। इमरान मसूद लौटे तो बारी थी कैराना से सांसद इकरा हसन की। अखिलेश यादव को प्रणाम किया और आगे बढ़ी तो इमरान मसूद मिले। इमरान मसूद ने इकरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और लौटते वक्त अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। इकरा ने भी जय हिंद के साथ जय संविधान का नारा लगाया। जय हिंद जय संविधान। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराने वाले चौधरी हरेंद्र मलिक ने शपथ के बाद चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव को याद किया। जय चौधरी चरण सिंह, जय नेताजी मुलायम सिंह और जय अखिलेश। संभल से सांसद चुने गए जियाउर रहमान बर्क ने शपथ के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। बर्क के बाद शपथ लेने आए मेरठ से सांसद बने अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ली और जय श्री राम का नारा लगाया। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्य ते निर्वाचिता अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे। जय श्री राम जय भारत। अब बारी थी गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग की। गर्ग आए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद जैसे ही अतुल गर्ग जाने लगे तो विपक्ष ने हंगामा किया। अतुल गर्ग लौट कर आए और हेडगेवार जिंदाबाद का नारा लगा दिया। हेडगेवार जिंदाबाद। इस पर विवाद और बढ़ गया। राधे राधे। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी खास अंदाज में शपथ ली। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। इसके बाद आए फिरोजाबाद के सपा सांसद अक्षय यादव। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को याद किया। नेताजी अमर रहे, जय समाजवाद जय भीम। संविधान की किताब लेकर डिंपल यादव भी शपथ लेने पहुंची और वही नारा दोहराया। जय हिंद जय संविधान, जय भीम जय समाजवाद। बदायूं से चुनाव जीतने वाले शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी अखिलेश यादव की तरह लाल गमछा पहनकर शपथ लेने पहुंचे और नेताजी को याद किया। जय भारत जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे। विपक्ष के संविधान वाले नारे के बीच जब बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार शपथ लेने आए तो हिंदू राष्ट्र के नारे का नया विवाद जोड़ कर चले गए। जय हिंदू राष्ट्र जय भारत। बीजेपी के कई सांसद ऐसे रहे जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। संस्कृत में शपथ लेने वाले साक्षी महाराज उन्हीं में से एक थे। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय।
बीजेपी के सांसदों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो अयोध्या से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद ने फिर से संविधान की किताब खोली। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। अयोध्या के सांसद के बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन आए और शपथ के बाद गुरु गोरक्षनाथ को याद किया। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। जय भोजपुरी। शपथ वैसे तो सभी सांसदों ने ली, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक तस्वीर इन सब से अलग रही। दोनों नेताओं ने न सिर्फ शपथ के बाद पीठासीन अधिकारी से हाथ मिलाया बल्कि उनके पीछे खड़े मार्शल से भी मुलाकात की। तो आपने देखा कि लोकसभा में शपथ ग्रहण किस दिलचस्प अंदाज में हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।